Hello, students. मेरा नाम शशांक मिश्रा है. मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में. जैसा कि पेज में मेंशन है कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एक सिंक्रोनस कंडेंसर, जिसको हम सिंक्रोनस कैपेसिटर और सिंक्रोनस कंपनसेटर भी बोलते हैं. ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड से रिलेटेड है. तो चलिए, लेट्स स्टार्ट विद सिंक्रोनस कंडेंसर. सो हमारा टॉपिक है सिंक्रोनस कंडेंसर, जिसे हम कभी कभी सिंक्रोनस कंपनसेटर भी बोलते हैं. ये होता क्या है? ये एक टाइप की मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, जो कि हमारी नो लोड कंडीशन पे, नो लोड कंडीशन या नो लोड स्पीड पे हमारी ऑपरेट करती है. साथ ही साथ जो डीसी एक्साइटेशन होता है वो ओवर डीसी एक्साइटेशन होता है. इस तरीके की जो मोटर होती है वो हम सिंक्रोनस कंपनसेटर या सिंक्रोनस कैपेसिटर या सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोलते हैं. इसका यूज हम क्यों करते हैं? इसका यूज हम सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं. कैसे करते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसफार्मर है, अगर उसका पावर फैक्टर लो है, इसे ठीक है, तो जाहिर सी बात है पावर फैक्टर अगर लो है, ठीक है, तो लोड करंट उससे हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा. और जब लोड करंट हमारा बढ़ेगा तो हम एक चीज़ और जानते हैं कि लोड करंट हमारा रिलेटेड है आई स्क्वायर आर लॉसेज से. जब जाहिर सी बात है जब लोड करंट हमारा इंक्रीज होगा तो हमारे आई स्क्वायर आर लॉसेज भी इंक्रीज होंगे. जब हमारे आई स्क्वायर आर लॉसेज इंक्रीज होंगे तो हमारा जो मोटर की एफिशिएंसी होगी वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी. इस पूरे जो सिनेरियो के अंदर अगर हम देखें तो हमें एक चीज़ की पता चलता है कि हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ मोटर है वो हमारा बढ़ जाएगा. तो इस चीज़ को हम इम्प्रूव करने के लिए, जो लो पावर फैक्टर की जो प्रॉब्लम है इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सिंक्रोनस कंडेंसर यूज करते हैं. जैसा कि इस टॉपिक में देखिए मैंने मेंशन कर रखा है, When the motor power factor is unity, the DC excitation is said to be normal. जब हमारी मोटर यूनिटी पावर फैक्टर के साथ में रन करती है तो उस तरीके की जो एक्साइटेशन, जो DC excitation होता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कंडीशन में मोटर हमारी रन करती है. अगर दूसरा केस हम देखें कि जब हमारी मोटर लीडिंग पावर फैक्टर के साथ ऑपरेट हो रही है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओवर एक्साइटेशन कंडीशन. एंड द थर्ड वन इज जब हमारी मोटर एक लैगिंग पावर फैक्टर के साथ ऑपरेट हो रही है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अंडर एक्साइटेशन कंडीशन. व्हेन द मोटर इज ऑपरेटेड एट नो लोड विद ओवर एक्साइटेशन इट टेक्स अ करंट दैट लीड्स द वोल्टेज बाई नियरली 90 डिग्री. इन दिस वे इट बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर अंडर सच ऑपरेटिंग कंडीशन एंड द सिंक्रोनस मोटर इज कॉल्ड सिंक्रोनस कैपेसिटर. इसका मीन्स क्या होता है, जैसे कि जब हमारी कोई मोटर एक नो लोड कंडीशन में और ओवर एक्साइटेशन, नो लोड के साथ साथ ओवर एक्साइटेशन कंडीशन में रन करती है तो जो हमारी मोटर की जो करंट होती है वो हमारी वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है. ठीक है, जब हमारी करंट, जैसा कि हम जानते हैं, जब हमारी करंट वोल्टेज को 90 डिग्री लीड करेगी तो इट बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर. इसीलिए हम इसे कहते हैं सिंक्रोनस कैपेसिटर. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज सिंक्रोनस कंपनसेटर एंड सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर. जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम मोटर को बगैर किसी लोड के ओवर एक्साइटेशन की कंडीशन में ऑपरेट करते हैं तब वह मोटर की करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है. इस तरह ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करती है. जब मोटर को इस कंडीशन में ऑपरेट करते हैं तब हम ऐसी मोटर को हम सिंक्रोनस कैपेसिटर कहते हैं. एक चीज़ हम और देखें, जब हमारी मोटर विदाउट मैकेनिकल लोड के रन करती है और जो फील्ड वाइंडिंग के एक्साइटेशन को वेरी करते हैं, और जब हम फील्ड वाइंडिंग के एक्साइटेशन को वेरी करते हैं तब ये जो मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर होती है, ये हमारी रिएक्टिव पावर को जनरेट और एब्जॉर्ब कर सकती है. ठीक है, ये जो मेंशन भी कर रखा है मैंने, अ सिंक्रोनस मोटर रनिंग विदाउट अ मैकेनिकल लोड इट कैन जनरेट और ऑब्जर्व रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर.
बाय वेयरिंग द एक्साइटेशन ऑफ इट्स फील्ड वाइंडिंग, मीन ये उस केस में हमारी जो रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब भी कर सकती है और जनरेट कर सकती है। मगर अगर हम दूसरा केस देखें, इट कैन बी मेड टू टेक अ लीडिंग करंट, अगर मैं उसी को जो हमारा मोटर है उसको लीडिंग करंट के साथ ओवर एक्साइटेशन की कंडीशन में अगर मैं रन कराऊं, तो उस केस में हमारी जो मोटर होगी ओनली डिलीवर द इंडक्टिव पावर, उस केस में वो सिर्फ इंडक्टिव पावर को डिलीवर करेगी और जो कैपेसिटिव पावर है उसको एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। अब तीसरा जो केस है, इफ इट इज अंडर एक्साइटेशन, अगर मैं जो तीसरा वाला केस मीन जब मोटर को मैं लैगिंग पावर फैक्टर के साथ मैं रन कराऊं, तो उस केस में ये जो मोटर होती है वो कैपेसिटर पावर को सप्लाई करेगी और इलेक्ट्रिक पावर को एब्जॉर्ब करेगी। इसलिए हम कह सकते हैं दस द करंट ड्रॉन बाय द सिंक्रोनस कैपेसिटर कैन बी वेरीड फ्रॉम लैगिंग टू लीडिंग स्मूथली बाय इट्स एक्साइटेशन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर मैं किसी भी सिंक्रोनस कैपेसिटर या मोटर को मैं अगर वेरी कराऊं लैगिंग से लीडिंग की तरफ, लैगिंग पे चलाऊं कुछ देर, फिर उसके बाद यूनिटी पावर फैक्टर के साथ चलाऊं, फिर लीडिंग पावर फैक्टर के साथ चलाऊं, स्मूथली वेरी कराऊं, तो इससे हमारा क्या होगा, हमारा जो पावर फैक्टर होगा वो इम्प्रूव होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके की जो इंस्ट्रूमेंट है या जो मोटर है इसको हम, इस कंडीशन को हम कहते हैं सिंक्रोनस कंडीशन, ठीक है। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर जो हमारा जनरली यूज होता है कॉन्स्टेंट स्पीड एप्लीकेशन जहां होती है वहां पे यूज होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स सच एज इन्वर्टर एंड साइक्लो कन्वर्टर हैज अलाउड देयर यूज इन वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन, जैसे कि हम BFDs में भी देखते हैं, वहां पे हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं BFDs में, तो वहां पे भी हम सिंक्रोनस मोटर की जगह यूज, सिंक्रोनस मोटर की जो कंडीशन होती है उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जनरली ये कंप्रेसर्स, ब्लोअर्स, इंड्यूस्ड एंड फोर्स्ड ड्राफ्ट फैंस में भी यूज होता है, ठीक है, लाइन ट्रैक्शन में भी यूज होता है, सर्वो ड्राइव में भी यूज होता है। सिंस जो सिंक्रोनस कंडीशन होता है वो हमारा लाइक अ वेरिएबल इंडक्टर की तरह काम करता है या वेरिएबल कंडक्टर की तरह, वेरिएबल कैपेसिटर की तरह भी काम करता है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन सिस्टम टू रेगुलेट द लाइन वोल्टेज। इन इंडस्ट्री सिंक्रोनस मोटर आर यूज्ड विद इंडक्शन मोटर एंड ऑपरेट विद ओवर एक्साइटेशन टू ड्रॉ लीडिंग करंट फ्रॉम द सप्लाई, दस दे कंपनसेट द लैगिंग करंट ड्रॉन बाय द इंडक्शन मोटर टू इंप्रूव द ओवरऑल पावर फैक्टर। तो जो हम इंडस्ट्रीज में जो इंडक्शन मोटर जनरली हम यूज करते हैं, तो उसकी वजह से जो लैगिंग करंट की वजह से जो लो पावर फैक्टर होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम सिंक्रोनस कंडेंसर या सिंक्रोनस मोटर को एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ बी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट थ्रू फॉलोइंग डिटेल। माय नेम इज शशांक मिश्रा एंड माय ईमेल आईडी इज shashank.polytechnic@tme.ac.in एंड माय मोबाइल नंबर इज 9456074593। थैंक यू। प्लीज़।